हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करेंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन ऑफ 12th अक्टूबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, हु रिलीज अ रिपोर्ट ऑन द लेटेस्ट क्लाइमेट साइंस इन्फॉर्मेशन नेम यूनाइटेड इन साइंस 2021। किसने रिलीज किया एक रिपोर्ट को लेटेस्ट क्लाइमेट साइंस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जिसका नाम है यूनाइटेड इन साइंस 2021। आपका ऑप्शन है यूनिसेफ, ऑप्शन बी WMO, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी WMO। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, उसने रिलीज किया एक रिपोर्ट को लेटेस्ट क्लाइमेट साइंस इन्फॉर्मेशन के ऊपर जिसका नाम है यूनाइटेड इन साइंस 2021। इस रिपोर्ट के अनुसार जो COVID-19 है इसके कारण टेम्पोररी डिक्लाइन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पे 2020 पे, जबकि जो कॉन्सेंट्रेशन है मेजर ग्रीन हाउस गैस का जैसे कि CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रोस ऑक्साइड, N2O का एटमोस्फेयर में ये अभी भी इंक्रीज किया है 2020 में भी और फर्स्ट हाफ में भी 2021 के। ग्लोबल क्लाइमेट जो है 2017 से 21 का जो रिपोर्ट था इसमें जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर था पीरियड का 2017 से 21 का वो वार्मेस्ट का रिकॉर्ड में एस्टिमेट किया गया कि ये 1.06 डिग्री सेल्सियस से 1.2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल था। सी लेवल भी राइज हुआ है। जो ग्लोबल मीन लेवल था वो रोज किया है 20 सेंटीमीटर 1900 से 2018 तक और ये एक्सेलरेट कर रहा है 3.7 प्लस 0.5 मिलीमीटर पर ईयर 2016 से 2018 तक। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टैब्लिशमेंट 25 मार्च 1950 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। इसके सेक्रेटरी जनरल पेटेरी टालस है। मेंबर्स 193 मेंबर स्टेट और टेरिटरी है। यूनिसेफ को हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से भी जानते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल एड को चिल्ड्रन को पूरे विश्व में। ये जो एजेंसी है वो मोस्ट वाइड स्प्रेड और रिकॉग्निजेबल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, जिसमें प्रेजेंस है 192 कंट्रीज और टेरिटरी का। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएस में है। इसकी हेड हेनरिटा फोरे है, प्रेसिडेंट टोरे हेडपेम। फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 में। IMF इंडिया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना गॉर्जिवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 12th अक्टूबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अनाउंस न्यू ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। किसने अनाउंस किया है न्यू ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को। आपका ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी ILO, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए WHO। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इन्होंने अनाउंस किया एक न्यू स्ट्रेंगेंड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को ताकि एसेस किया जा सके इफेक्ट को एयर पॉल्यूशन का और इसके हेल्थ के इम्पैक्ट को। इसके पहले WHO ने इश्यू किया था गाइडलाइंस को 2005 में। अभी भी बहुत सारे कंट्रीज जो है वो नहीं रीच कर पाए 2005 के AQG के लेवल तक। एक जो लोअर लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम गेब्रियस है। ILO जिसके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जिसका काम है एडवांस सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस सेटल करना इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड को। फाउंड किया गया था अक्टूबर 1919 में लीग ऑफ नेशन के अंतर्गत। ये पहला और ओल्डेस्ट स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट देता है गवर्नमेंट को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के ताकि जो पर्पस है वो परस्यू कर सके कैपिटल प्रोजेक्ट को। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी यूएस में। इसके प्रेसिडेंट जो है वो डेविड मालपास है। इसको फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु ऑर्गेनाइज कनेक्टिंग ऑल इंडिया का वर्कशॉप टू मेक इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्री। किसने ऑर्गेनाइज किया है कनेक्टिंग ऑल इंडियंस एक वर्कशॉप को मेक इन इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कनेक्टिंग कंट्रीज के तौर पे। आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक स्ट्रेटेजिक वर्कशॉप को जिसका टाइटल है कनेक्टिंग ऑल इंडियन ताकि वो इंडिया को वन ऑफ द लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्रीज के तौर पर उभार सके वर्ल्ड में। ये जो वर्कशॉप है इसको चेयर किया गया है राजीव चंद्रशेखर के द्वारा जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीटी डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। भारत ने जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइबर बेस्ड रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको रिव्यू किया गया इस वर्कशॉप के दौरान। जो वर्कशॉप है इसने इनवाइट किया है दोनों ही पब्लिक और प्राइवेट स्टेक होल्डर को जो कि इंक्लूड करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जियो एयरटेल को ऑफिशियल्स में तौर पर मीटिंग के लिए और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को ताकि वो डिस्कस कर सके रोडमैप को एनहेंस करने के लिए इंटरनेट एक्सेस को अनकवर विलेज एंड टाउन्स में अक्रॉस इंडिया के। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्रीमती निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, CIL
PNCL, partner with whom to install 50 megawatt solar power project at Madhya Pradesh. जो CIL-NCL है, इसने पार्टनरशिप किया है किनके साथ, ताकि वो इंस्टॉल कर सके 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश में. तो कहां पे इंस्टॉल किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है सेल, ऑप्शन बी भेल, ऑप्शन सी एनटीपीसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनटीपीसी. जो नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड है एनसीएल, जो कि एक सब्सिडी है कोल इंडिया लिमिटेड का, उसने पार्टनरशिप किया एनटीपीसी लिमिटेड के साथ, ताकि वो इंस्टॉल कर सके 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को निगई कोयल माइंस में एनसीएल के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के. जो एनसीएल है और सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ज्वाइंट वेंचर है सीआईएल और एनटीपीसी के बीच में, जिन्होंने साइन किया था एक मऊ को कि वो इंस्टॉल करेंगे 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को. ये जो इंटायर प्रोजेक्ट है उसको कोऑर्डिनेट किया गया है सीएनयूपीएल के द्वारा. एच के वर्मा जो कि जनरल मैनेजर है एनसीएल का, और बीके पांडा जो कि सीईओ है सीएनयूपीएल के, उन्होंने साइन किया था इस मऊ को. अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं. सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, सीआईएल एक स्टेट ओन कोल माइनिंग कॉर्पोरेट है. इसके चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल है. इसका एस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1975 में किया गया था. हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में. नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल, एनसीएल एक होल्ली ओन सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड का. इसका सीएमडी पीके सिन्हा है. हेडक्वार्टर इसका सिंगरौली मध्य प्रदेश में. सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है. इसको फाउंड किया गया था 19 जनवरी 1954 में. इसके सीईओ सोमा मंडल है. भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है. इसके सीईओ नलिन सिंघल है. इसको फाउंड किया गया था 1964 पे. एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको फाउंड किया गया था 1975 में. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है. इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट इंडिया यूके काउंसलर डायलॉग वर्चुअली होस्टेड बाय विच कंट्री. जो पहला इंडिया यूके काउंसलर डायलॉग है, ये वर्चुअली होस्ट किया गया किस कंट्री के द्वारा. आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूके. इंडिया ने वर्चुअली होस्ट किया है पहला इंडिया यूके काउंसलर डायलॉग को, जो कि इंडियन डेलीगेशन इसको लेस किया गया है देवेश उत्तम, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, और यूके डेलीगेशन को जेनिफर एंडरसन के द्वारा. इंडिया यूके काउंसलर डायलॉग जो है वो बात है इंडिया यूके 2030 के रोडमैप का, जिसमें दोनों कंट्रीज डिस्कस करेंगे वे को, ताकि स्ट्रेंथ किया जा सके पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को एक दूसरे के बीच में. अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं. यूनाइटेड किंगडम यूके की कैपिटल लंदन है. प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, करेंसी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी. ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर. प्राइम मिनिस्टर स्कॉट जॉन मॉरिसन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल सिंगल वुमेन सिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस लॉन्च बाय होम. जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है इन्वेस्टर और बिजनेस के लिए, इसको लॉन्च किया गया किनके द्वारा. आपका ऑप्शन है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी श्रीमती स्मृति दुबे ईरानी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पीयूष गोयल. जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष वेद प्रकाश गोयल, पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को ऑनलाइन पोर्टल के लिए, ताकि ये इनेबल कर सके ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसेस को, कि वो आइडेंटिफाई करे और ऑब्टेन करे अप्रूवल को, क्लियरेंस को, जो कि आवश्यक है इंडिया पे. ये एक एफर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ. ये जो पोर्टल है ये एक इंटीग्रेशन है एग्जिस्टिंग क्लियरेंस सिस्टम का सेंटर और स्टेट का. इसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ और इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर. अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं. तो इन्वेस्ट इंडिया जो है वो पब्लिक वेंचर है, पब्लिक प्राइवेट वेंचर है, जिसमें 49% गवर्नमेंट का स्टेक है. 51% शेयर होल्डिंग जो है वो इक्वली हेल्ड किया गया इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें कि फिक्की, सीआईआई, नेस्कॉम आते हैं. इस्टेब्लिशमेंट का 2009 में किया गया था. इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ दीपक बागला है. श्रीमती निर्मला सीतारमन, जिनके बारे में ऑप्शन ऑफ मेंशन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर डिपार्टमेंट को संभाल रही है. श्रीमती स्मृति दुबे ईरानी, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को संभाल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 आई मीन, हु लॉन्च प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज फॉर स्टार्टअप टेक इंटरप्रेन्योर. किसने लॉन्च किया है प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज को स्टार्टअप टेक इंटरप्रेन्योर के लिए. आपका ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी माईगोव, ऑप्शन सी सीडैक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी माईगोव. माईगोव इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, इन्होंने लॉन्च किया है प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज को इंडिया के स्टार्टअप और टेक इंटरप्रेन्योर के लिए. इसका ऑब्जेक्टिव है इनेबल करना टेक फॉर्म और स्टार्टअप को इंडिया में, कि वो बिल्ड करे एक इंडाइजेनस प्लेनेटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जो कि यूज करे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मर्ज रियलिटी. जो विनर होंगे उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा नो करने के लिए, समझने के लिए लेटेस्ट एडवांसमेंट को प्लेनेटेरियम के लिए अलॉन्ग कैश प्राइजेस के साथ. माईगोव ने लॉन्च किया था 26 जुलाई 2014 में सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म को, जिसके लिए उन्होंने कोलैबोरेट किया था बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज मिनिस्ट्री के साथ, ताकि वे इंगेज करें सिटीजन के साथ पॉलिसी फॉर्मुलेशन में. नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है. चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, सीईओ अमिताभ कांत. सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इंडियन ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी है, जो कि ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
हु साइन डील विद बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन टू सपोर्ट लाइफ स्टॉक, किसने साइन किया डील को बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ ताकि वो सपोर्ट कर सके लाइफ स्टॉक को? आपका ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी इरिडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग। जो पार्क का गोइंग सेलिब्रेशन को लेकर ध्यान में रखते हुए आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखकर जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग है उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ ताकि वो सपोर्ट कर सके इंडिया के लाइफ स्टॉक सेक्टर को। फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डायरिंग मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने साइन किया इस बिल को। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ये सपोर्ट करेगा नेशन के फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को और प्रोजेक्ट को इकोनॉमिक वेलबींग के लिए स्मॉल स्केल लाइफ स्टॉक प्रोड्यूसर का। जो गेट फाउंडेशन ये प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट को डिपार्टमेंट के लिए ताकि वो इंश्योर कर सके सस्टेनेबल ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को इंडिया के लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए। ये पार्ट है पार्टनरशिप का नेशनल वन हेल्थ प्लेटफॉर्म का, जिसको कि स्टेब्लिश किया गया एक एम से नेशनल वन हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए कोऑर्डिनेशन प्रोडक्टिविटी और सपोर्ट के लिए लाइवलीहुड का स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर का। यह अलाउ करता है ट्रैकिंग और रिजोल्यूशन एनिमल और ह्यूमन हेल्थ चैलेंजेस का। ये प्रिवेंट करेगा पॉसिबल इन्फेक्शन को और डिजीज आउटब्रेक को। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के सीईओ जो है मार्क सुजमैन है, हेडक्वार्टर इसका सीटल वाशिंगटन यूएस में है। SBI के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खरा है। SBI को फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इरिडा इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली पे है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसको स्टैब्लिश किया गया था 11 मार्च 1987 में, एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी के तौर पर। कंपनी एक 1956 के माध्यम से ये प्रमोट करता है, डेवलप करता है, एक्सटेंड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट को रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशियंसी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट अप्रूव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, किस स्टेट ने अप्रूव कर दिया इम्प्लीमेंटेशन मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि वो कवर करेंगे फार्मर्स को जो ग्रो कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अगेंस्ट अबायोटिक फैक्टर को ध्यान में रखकर स्पेशली डिजाइन स्कीम के माध्यम से, जो कि आपका मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये जो MBBY है ये एक एश्योरेंस बेस्ड स्कीम है जो कि कंपनसेट करेगा क्रॉप लॉसेस को एडवर्स वेदर और नेचुरल कैलामिटीज से। ये जो स्कीम है इसको डिजाइन किया गया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप एश्योरेंस स्कीम के तौर पर, जिसका मकसद है इनकरेज करना फार्मर्स को कि वो कल्टिवेट करे हाई रिस्क हॉर्टिकल्चर क्रॉप को। ये जो स्कीम है ये एक ऑप्शनल है और ये कवर करेगा इंटायर स्टेट को। ये जो स्कीम है इसको मॉनिटर किया जाएगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, कैपिटल चंडीगढ़ है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑथर द बुक टाइटल द थ्री खान्स एंड द एमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया, किसने ऑथर किया न्यू बुक को जिसका टाइटल है द थ्री खान्स द एमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया? आपका ऑप्शन है कावेरी बामजाई, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी कैप्टन रमेश बाबू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कावेरी बामजाई। जो सीनियर जर्नलिस्ट है कावेरी बामजाई उन्होंने ऑथर किया एक न्यू बुक को जिसका टाइटल है थ्री खान एंड द एमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया। ये कलेक्ट करता है जो कैरियर है आमिर खान, शाहरुख खान एंड सलमान खान का टर्बुलेंट टाइम के तौर पर इंडियन हिस्ट्री पे। सुधा मूर्ति जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, इसके द्वारा ऑथर किया बुक का टाइटल है हाउ दी अर्थ गॉट इज ब्यूटी। कैप्टन रमेश बाबू के द्वारा ऑथर किया बुक का टाइटल है माई ओन मजगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉन द 9th EY नॉर्वे चेस 2021, किसने जीता है जो 9th EY नॉर्वे चेस था 2021 का? इसमें आपका ऑप्शन है यान अलेक्जेंड्रियन नेपोमियांसी, ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी अलिनेजा फिरोजा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन। जो मैग्नस कार्लसन है नॉर्वेजियन चेस ग्रांड मास्टर, उन्होंने जीता है 9th एडिशन को EY नॉर्वे चेस 2021 का। रशियन ग्रैंड मास्टर जो है ईरान अलेक्जेंड्रोविच नेमोनियासी के खिलाफ, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था। ये जो है ये मैग्नस कार्लसन का तीसरा कंजीक्यूटिव टाइटल है नॉर्वे चेस का और चौथा ओवरऑल टाइटल है। नॉर्वे चेस 2021 जो था वो 6 प्लेयर डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट था, जो कि आपका स्टेवेगनर नॉर्वे में हुआ था, कहां पे हुआ था ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो एलिजा फ्लोजा जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये ईरानियन फ्रेंच चेस प्लेयर है जिन्होंने फिनिश किया सेकंड पोजीशन में डिफीट करते हुए हंगेरियन ग्रैंड मास्टर रिचार्ड रेपोर्ट को। रिचार्ड रेपोर्ट ने फिनिश किया तीसरे पोजीशन में नॉर्वे चेस 2021 के रैंकिंग में। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो इंडिया के गुकेश डी है उन्होंने जीता है नॉर्वे ओपन 2021 मास्टर को। इंडिया के जो क्रेज मास्टर है गुकेश डी, उन्होंने जीता था ओपन 2021 को मास्टर सेक्शन में और उन्होंने जीता है 60,000 नॉर्वेनियन क्रोन और अराउंड 5,09,000 एनओके को। ये इनका सेकंड कंजीक्यूटिव विन है इस मंथ का। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है।
Which state to host under 21 FIS Men Hockey Junior World Cup 2021? कौन सा स्टेट होस्ट करेगा अंडर 21 FIS Men Hockey Junior World Cup को 2021 का? आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।